जिंदगी का सफर, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज की कहानी है क्या नाम दे इस रिश्ते को, एक ऐसी कहानी जो आम जीवन में ऐसे लोगों के साथ घटी है और ऐसा रिश्ता उन्होंने कायम किया है जिस रिश्ते को कोई नाम देना बहुत। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों की अलग अलग कहानी है, तो ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी एक ऐसी कहानी जिसमें जो रिश्ते बने हैं उन रिश्तों को क्या नाम दे ये सवाल मेरे सामने खड़ा है। तो ये कहानी सुनने के बाद आप ही तय कीजिए ये रिश्ता कैसा है, इस रिश्ते को क्या नाम दे। तो दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ बहुत सारे चेहरे हमें दिखते हैं। जो चेहरे दिखते हैं वो लोग वैसे ही होते ऐसा नहीं, क्योंकि दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। ये कहानी एक मुंबई के ऐसे लोगों की है जो लोग एक आम जीवन जी रहे हैं। एक लड़की है, उनकी माता है और उसकी माँ जो है वो विधवा है, उनके पिता यानी लड़की के पिता नहीं है। वो माँ चाहती कि अपनी लड़की की शादी एक अच्छे घर में हो जाए, इसलिए वो लड़की के लिए रिश्ता ढूंढती है। रिश्ता ढूंढते ढूंढते एक ऐसी फैमिली उनके जीवन में आ जाती है कि उन्हें लगता है कि भाई ये लड़का अपनी लड़की के लिए सही है, क्योंकि लड़का है और उनके माता पिता भी हैं, तो एक अच्छी फैमिली, संस्कारित फैमिली ऐसी लगती है, क्योंकि पिताजी भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लड़का भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, माता जो है वो गांव में खेती भी करती है, पिताजी भी कभी कभार गांव में जाकर खेती करते हैं। तो ऐसे अच्छे घर में अपनी बेटी ब्याही जाए ऐसे इस माँ को लगता है। बहुत ढूंढने के बाद ये रिश्ता उनको मिलता है और जब वो पहली बार जाते हैं एक दूसरे के साथ परिचय हो जाता है, दोनों फैमिली के बारे में दोनों को पता चल जाते हैं कि भाई ये जो लड़के हैं उनको पिता का छत्र उनके सर पर नहीं है, माता जी उनको संभाल रही हैं। पहली मुलाकात उनकी तय हो जाती है, देखने का कार्यक्रम हो जाता है, लड़की को लड़का पसंद आ जाता है, लड़के के घर वालों को बहू पसंद आ जाती है, माता जी अकेली रहती हैं, उनके बारे में जो लड़का है उनके पिताजी उनको उनके बारे में ज़रा सहानुभूति हो जाती है कि भाई एक औरत अपनी लड़की को पाल पोस कर बड़ा करती हैं, पति नहीं है उनके साथ, फिर भी एक ऐसी औरत जो मेहनत करके अपने लड़की को पढ़ाती है लिखाती है और उसकी शादी करने के लिए वो आतुर है। तो ऐसे अच्छे घर में घर की लड़कियां हमारे घर की बहू बने ऐसा उनको भी लगता है। देखने दिखाने का कार्यक्रम हो जाता है, उसके बाद आना जाना शुरू हो जाता है। खेती के काम के वजह से माँ गाँव जाती है, बेटा हर वक्त ऑफिस में जाया करता है, पिताजी भी जाते हैं, लेकिन लड़की की जो माँ है वो इनके घर आया करती है, कभी लड़की को लेके आया करती है, कभी अकेली जाया करती है। तो लड़की के माँ का लड़के के घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। शादी के बारे में कैसे शादी की जाए, कैसे क्या क्या किया जाए, दहेज की तो बात ही नहीं थी। लड़के के पिता कहते कि भाई आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं, फिर हम खुद खर्चा करेंगे। ऐसे सब बातें करते करते लड़की की माँ जो है वो लड़के के पिता की ओर आकर्षित हो जाती है और लड़के के पिता को भी उनके बारे में आकर्षण निर्माण हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों का जो रिश्ता है वो प्यार में बदल जाता है, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। अब प्यार तो हुआ है, लड़की की शादी भी करनी है और लड़की की शादी करने के बाद हमारा रिश्ता कैसे हो जाए, क्या नाम दे सकते हैं, ये सोच में वो पड़ जाते हैं। हालांकि उन दोनों का इतना अच्छे संबंध हो जाते, इतने गहरे संबंध हो जाते हैं, इतने प्यार भरे संबंध हो जाते, हालांकि ये अनैतिक संबंध है लेकिन उनको प्यार हो जाता है। तो शादी की तारीख तय हो जाती है, लड़की की और लड़के की शादी हो जाती है
जैसे लड़के लड़की की शादी हो जाती है उसके कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। लड़का और लड़की हनीमून को जाने के पहले ये लोग शादी कर जाते हैं, तो ये जब वाकया उनके जीवन में घटता है तो लड़का और लड़की दोनों डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, सब सोच में पड़ जाते हैं। लड़की की माँ जो है वो बहुत ही नाराज हो जाती है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन जो लड़के के पिता है वो एकदम स्ट्रिक्ट है, वो कहते हैं नहीं हमने शादी की है और अब हम एक साथ रहना चाहते हैं। और इस रिश्ते को लेकर लड़का और लड़की में थोड़ी अनबन हो जाती है। लड़का लड़की को ब्लेम करता है, लड़की लड़के को ब्लेम करता है कि भाई आपके पिता ने ऐसा किया, वो कहते हैं आपके माता ने किया। इस इनके झगड़े के बीच वो जो है इनके दोनों के माता पिता शादी करके हनीमून जाते हैं। इनका हनीमून होने से रहा और माता पिता का हनीमून वहां हो जाता है। अब लड़का और लड़की के सामने ये प्रश्न निर्माण हो जाता है, एक तो अपना बाप है, लड़की को लगती है मेरी माँ है। अब उन दोनों की शादी होने के बाद ये रिश्ता बदल जाता है, अब माँ को माँ कहूं कि सासू माँ कहूं, ससुर को ससुर कहूं या बाप कहूं। अब एक और वो बेटी भी बन जाती है, बहू भी बन जाती, कैसा रिश्ता है ये। तो ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घटती हैं, उन्हें मान्यता मिले या ना मिले, लोगों के दिल में जो आता है वो लोग करते हैं। तो अभी आप तय कीजिए ऐसे नाते को, ऐसे रिश्ते को हम क्या कहें। खैर ये रही कहानी, इसमें से हमें क्या सीखना है ये हमें तय करना है। क्या ये रिश्ता जायज है, क्या ये रिश्ता नाजायज है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। बस जिंदगी है, जीना चाहिए। जिंदगी के सफर में ऐसे वाकया होते रहते हैं, कोई उसे फेस करता है सक्सेसफुल हो जाते हैं और कोई फेल हो जाते हैं। हाँ लेकिन अब ये दोनों कपल्स जो है वो खुशी से रह रहे हैं, माता पिता भी खुशी से रह रहे हैं, दोनों भी खुशी से रह रहे हैं। तो तय कीजिए जिंदगी में हम कैसा जीना है, किस लिए जीना है, हमें तय करना है। तो जिंदगी के सफर में अगली कहानी लेकर जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।